हे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आदित्य और आप देख रहे हैं टेकी सिंह। आज हम लोग बात करने वाले हैं फ्लैश सेल्स के बारे में। फ्लैश सेल्स होते क्या है? बहुत कम क्वांटिटी के प्रोडक्ट्स आते हैं और वो बहुत ही मिनिमम टाइम के लिए अवेलेबल होते हैं और फटाफट से सारे प्रोडक्ट्स बिक भी आते होंगे। आपके साथ भी ज़रूर ऐसा हुआ होगा कि आप बहुत ही एक अच्छा स्पेसिफिकेशन वाला फ़ोन खरीदना चाहते हैं, लेकिन आपने बटन दबाया बाय नाउ का, तब तक वो आउट ऑफ स्टॉक हो गया। इस वीडियो को देखते जाइए, मैं आपको दो ऐसे इंटरेस्टिंग ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आप फ्लैश सेल वाले प्रोडक्ट्स को आज अभी बिना फ्लैश सेल के भी खरीद सकते हैं और या फिर तब जब फ्लैश सेल आए बिना क्लिक किए खरीद सकते हैं। पहला ट्रिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें आपको बाय नाउ का बटन ही नहीं दबाना पड़ता है। हाँ, आपको एक एक्सटेंशन डाउनलोड करना है अपने क्रोम ब्राउजर में और इसके बाद में बस रेस्ट करना है। क्रोम ब्राउजर में एक्सटेंशन आपको डाउनलोड करने के लिए राइट साइड के कॉर्नर पे जो थ्री डॉट मेनू है वहाँ पे जाना पड़ेगा। वहाँ पे मोर टूल्स में एक्सटेंशन का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे आप क्लिक कीजिए। एक्सटेंशन की एक नई विंडोज़ खुल जाएगी, वहाँ पे आप नीचे जाइए और गेट मोर एक्सटेंशन पे क्लिक कीजिए। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को सैकड़ों हज़ारों एक्सटेंशन मिलेंगे जो आपके अलग अलग तरह के काम कर सकते हैं। ठीक है, आप सर्च ऑप्शन में जाकर फ्लैश सेल दबाइए और सर्च कीजिए। इसके बाद में आपको पूरा का पूरा लिस्ट मिलेगा, जितने भी फ्लैश सेल के एक्सटेंशन अवेलेबल है अलग अलग लोगों ने बनाया है वो सारे एक्सटेंशन आपको यहाँ पे दिखेंगे। अलग अलग वेबसाइट के लिए अलग अलग एक्सटेंशन है। हम लोग ट्राई करते हैं अमेज़न वाली एक्सटेंशन क्योंकि वो सबसे ज़्यादा रेटेड है और हम लोग को रेडमी का फ़ोन पे ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो चलिए एक एक्सटेंशन को ऐड करने की कोशिश करते हैं। ऐड एक्सटेंशन पे दबा दीजिए एंड बिंगो, एक्सटेंशन ऐड हो गया है। इसके बाद में आपको क्या करना है कि उस एक्सटेंशन पे आपको क्लिक करना है, तो वो बता देगा कि कौन कौन से फ़ोन पे वो एक्सटेंशन काम करता है। इसके बाद में अगर आपको और कोई दूसरा फ़ोन चाहिए तो आप बैक जाइए और देखिए कोई और एक्सटेंशन जो आपका उस तरह से हेल्पफुल हो। वैसे नॉर्मली सारे एक्सटेंशन सिमिलर तरीके से ही काम करते हैं। तो अब हम लोग वापस आते हैं इस एक्सटेंशन पे और अब देखिए अब आता है ऑप्शंस। आप यस पे दबा दीजिए और इसके बाद में ये लोग दो ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं, ये आपके लिए चेकआउट भी कर सकते हैं और आपके लिए बस कार्ट पे सामान को डाल सकते हैं। तो मेरा चॉइस है, मेरे कार्ट पे ये सामान डाल दिया और इसके बाद में आप सेव कर दीजिए। एक पॉपअप आएगा, उसको आप ओके कर दीजिएगा। इसके बाद में आपको करना है रेस्ट, क्योंकि जब आप वो फ्लैश सेल आएगा आपको अपना लैपटॉप खोल देना है, वो वेबसाइट खोल देना है और इसके बाद में इंटरनेट कनेक्शन ऑन कर देना है। इसके बाद में ऑटोमेटिकली वो आइटम आपके कार्ट में चला जाएगा और आप चेकआउट कर सकते हैं। आपको बाय नाउ बटन दबाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया हमारी फर्स्ट ट्रिक की यहीं समाप्ति। अब आती है दूसरी टिप। दूसरी टिप में क्या है कि आप लोगों को वेट बिल्कुल भी नहीं करना है, बस थोड़ी सी ज़्यादा कैश स्पेंड करनी है। आप ये कैसे आप करेंगे ये सुनिए। जैसे फ्लैश सेल आती है तो बहुत सारे लोग फ़ोन्स को ख़रीद लेते हैं और सक्सेसफुल भी होते हैं बहुत सारे तरीके से, और ये एक नॉर्मली बिजनेस बन गया है। लोग फ़ोन्स ख़रीद रहे हैं और इसे दूसरों को भी बेच रहे हैं, तो इसमें आपको डरने वाली कोई बात नहीं है वारंटी की, क्योंकि वारंटी में कोई इशू नहीं आने वाला है। आप किसी की भी नाम की फ़ोन आराम से चला सकते हैं, दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब हम लोग इसको भी एक्सपेरिमेंट करते हैं। हम लोग फ्लिपकार्ट की वेबसाइट खोल के देखते हैं, तो दिख गया हम लोग को फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पर रेडमी नोट 4 कहीं भी स्टॉक में नहीं है। अब हम लोग ईबे पे देखते हैं कि ईबे पे ये स्टॉक में है या नहीं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे सेलर्स ने फ़ोन्स ख़रीदे हैं और इसके बाद में ईबे पे उसे लिस्ट कर दिया है नॉर्मल प्राइस से थोड़ा हायर में, क्योंकि ऑब्वियसली उनको पैसा कमाना है। तो चलिए हम लोग इस पे एक पे क्लिक करते हैं। तो आपको दिख रहा होगा कि आपको यहाँ पे 1400 से ज़्यादा रुपए एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है, लेकिन इसका एक सिंपल ट्रिक है, चलिए उसको आगे हम बताते हैं। ईबे ऑफर करता है आपको बहुत सारे तरीके के कूपन्स, ठीक है, जो आप इसमें अप्लाई करके अच्छे खासे डिस्काउंट पा सकते हैं। बाय हार्ट के क्या एक्सटेंशन अगर आप चाहते हैं तो वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे मैं ये सारे कूपन्स नीचे लिस्ट कर दूंगा, तो इसमें से कोई भी कूपन जो आपको ज़्यादा एफिशिएंट लगे वो आप इस्तेमाल कीजिए, जैसे कि स्मार्ट सेव 9, ये मैंने इस्तेमाल किया। और इसके बाद में ईबे आपको डिस्काउंट देगा, ठीक है, वो सेलर नहीं दे रहा है, ईबे दे रहा है यहाँ पे, और आपको ये फ़ोन ऑलमोस्ट 122 रुपये ज़्यादा पड़ रहा है। इसका क्या फ़र्क पड़ता है यार। सो हो गया ना आपके पास फ़ोन बिना फ्लैश सेल और लंबी लाइन में वेट किए हुए, बस प्रोसीड टू पे और आपके पास फ़ोन आ जाएगा।
एक्चुअली ये प्रोसेस मैंने खुद इस्तेमाल किया है, तो फिर मेरा ट्रस्ट रहा इस पे। आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आई गारंटी कि आपको ओरिजिनल ही प्रोडक्ट मिलेगा, बस थोड़ा रेटिंग्स चेक कर लीजिएगा इन लोग का। शायद अब आपका ये दिक्कत मैंने सॉल्व कर दिया है, अब आप कभी फ्लैश सेल से डरिएगा नहीं, और आराम से आप फ्लैश सेल्स को स्किप भी कर सकते हैं और कभी भी फोन्स को खरीद सकते हैं। मेरा ये कोशिश आपको अच्छा लगा तो चैनल पे एक लाइक नीचे दबा दीजिए, प्लीज़ लाइक तो बनता है भाई, आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया मैंने, ठीक है। और सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग टिप्स और ट्रिक्स के बारे में जो मैं बताता रहूँगा, और अपने दोस्तों के पास ये वीडियो शेयर कर दीजिए जो इंतजार कर रहे हैं बाय नाउ बटन दबाने का 2:00 2 बजे। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, दिस इज टेकी सिंह साइनिंग ऑफ।